हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, वर्ल्ड का वर्स्ट परफॉर्मिंग बैंक स्टॉक माना जाने वाला ये शेयर पिछले एक महीने में दुनिया में सबसे बड़ा गेन दिया है इसने पिछले एक महीने के अंदर, अगर बैंक स्टॉक की बात आती है तो। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा ये स्टॉक है इस तरीके से जिसने काम किया है। आप इस स्टॉक को जानते हो, अच्छे से जानते हो। मैं कहूंगा ये वही, कोई और नहीं, आपका अपना यस बैंक है। अब आपका अपना यस बैंक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जो डेटा आया था बीच में, उस डेटा में ये देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो रिटेल इन्वेस्टर ने उठा लिए हैं यस बैंक के। वो छोटा छोटा गिरता गया, जितना सस्ता चलता गया, रिटेल इन्वेस्टर ने खूब माल इसमें उठा लिया है। अब आप सोचोगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपका अपना यस बैंक। अब आप सोचिए, आपको यकीन नहीं होगा, हर किसी, मतलब ये मान के चलिए कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर को भरोसा लग रहा है कि यस बैंक जरूर ऊपर जाएगा। इवन मैं जब रिव्यूज़ लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए, फीडबैक के लिए डालता हूँ, आप फीडबैक देते हो, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे जिनको भरोसा है यस बैंक में, बहुत सारे लोगों को ऐसा भरोसा है। इवन अब लोगों को और ज़्यादा भरोसा दिखने लगे जब राकेश झुंझुनवाला जी ने अभी 87 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए। एक नज़र देखते हैं स्टॉक के बारे में, जानते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं अभी आज की डेट में यस बैंक की क्या स्थिति बनी हुई है मार्केट में, और सीधे लेके चलता हूँ आपको स्टॉक की तरफ। तो फिलहाल जो आज की ये इन्फॉर्मेशन आई है, लेटेस्ट न्यूज आई है यस बैंक की, तो ये यही कहा जा रहा है कि वर्स्ट परफॉर्मिंग बैंक स्टॉक इज नाउ सीइंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट सर्ज। बहुत ही बढ़िया बात। अब आप सोचिए, यकीन कीजिए कि अब ये तो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर आप हिसाब किताब लगाएंगे तो आपको कहीं और ज़्यादा सर्ज इसमें देखने को मिलेगा। ये शेयर मान लीजिए ऑन एन एवरेज 30 रुपये का इसने रिसेंटली लो बनाया था, और 30 रुपये से उठ के सबसे पहले 60 रुपये पे जाना अपने आप में मतलब डबल हो गया लो के बाद। लेकिन ये स्टॉक 60 ही नहीं, ये 77 के आसपास तक चला गया। आपने, अगर किसी ने ये 30-31 रुपये के आसपास खरीदा होता, अगर 1 लाख का भी माल खरीदा होता, तो उसको सीधे सीधे आप ये मान के चलिए कि 1.5 गुना रिटर्न उसको मिल गया। 1 लाख का 2.5 लाख उसको रिटर्न मिला होता पिछले एक महीने के अंदर। ऐसा यस बैंक का शेयर है ये। अब बात यह है कि यस बैंक का शेयर पूरा का पूरा न्यूज बेसिस पे चल रहा है। मैं बार बार कई वीडियोज इसकी बना चुका हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि यस बैंक का शेयर अभी करंट स्टेट में पूरी की पूरी न्यूज बेसिस पे चल रहा है। अच्छी न्यूज आती है तो शेयर जंप कर जाता है, थोड़ा सा बुरी न्यूज आती है तो शेयर नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक खास बात देखी, अभी फिलहाल भूल जाइए राकेश झुंझुनवाला जी को, यस बैंक के शेयर में मैंने जो खास बात वो देखी है कि राणा कपूर जिनके जाने के बाद शेयर जरूर गिरा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा, इस चीज़ को ध्यान रखें, राणा कपूर जी ने जो शेयर्स गिरवी रखे हुए थे वो सारे शेयर निकल गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे वो ऑलमोस्ट ये 35% के आसपास जो हुआ करते थे वो ना के बराबर हैं, वो सब कुछ निकल चुका है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी देखने को मिली। वो गिरवी रखे हुए शेयर की वजह से शेयर जो है, एक बार जब 10 करोड़ शेयर्स एक साथ सेल हुए, जिसमें रिलायंस निपॉन एसेट मैनेजमेंट ने उसको सेल किया था, तो शेयर्स 30 रुपये के लेवल पे आ गया था। लेकिन जब खरीदारी हुई तो शेयर वापस 40-42 के लेवल पे आ गया था। उसके बाद अभी जो रवनीत गिल जी ने टेक ओवर किया और वो जो बुक्स को क्लीन दिखा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से इम्प्रेस होकर राकेश झुंझुनवाला जी ने भी यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे पैसा लगाया, और साथ में अनआइडेंटिफाइड ग्लोबल इन्वेस्टर जो है उसने $1.2 बिलियन इंजेक्ट किए हैं। कुछ टाइम पहले जब यस बैंक ने QIB निकाला था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स वहां पे आए थे, तो 80-90 के रेट पे अराउंड वो निकाला गया था, 80-90 रुपये के रेट पे निकाला गया था। और मुझे लगता है कि स्टॉक वही 80-90 के आसपास जो है वो कंसोलिडेट होगा, मतलब यहाँ तो आराम से जा सकता है 80-90 के रेट पर। ऑलरेडी देखिए 70 की रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पे, 65-70 की रेंज में। अभी हम ऑप्शन के डेटा से उसको भी एनालाइज करेंगे। फिलहाल जो इसके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट में थोड़ा सा लॉस इसने जरूर दिखाया था यस बैंक ने। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार कितना हो गया था, देखिए ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 8-9 हज़ार करोड़ के आसपास आ गया था, फिर से 17 हज़ार करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच चुका है। शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगी। बुक वैल्यू अगर देखते हो तो अभी भी 105 के आसपास की बुक वैल्यू है इस शेयर की। तो भाई देखते हैं क्या होता है। लेकिन
इस कंपनी का जो मैक्सिमम एक्सपोजर था, पहले पता ही नहीं था कि कहाँ कितना एक्सपोजर है, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपोजर अब क्लीन होता जा रहा है, दिख रहा है कि बुक्स में। हाँ भाई, अभी आपको देखने को मिला होगा कि 2000 करोड़ के आसपास का इसका एक्सपोजर, वो भी क्लियर हुआ है कि यहाँ यहाँ एक्सपोजर है। पता लग रहा है कि इंडिया बुल्स के पास है, DHFL के पास है, तो ये लोन अकाउंट सब क्लियर हो रहे हैं, क्लैरिटी देखने को मिल रही है। जो पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती थी, अब रवनीत गिल जी वो सारी ट्रांसपेरेंसी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ तक कि इसके NPA भी क्लियर होते जा रहे हैं। अब दिख रहा है कि NPA, पहले NPA 1% 2% यही ग्रॉस NPA नेट NPA देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है NPA कि 5% है, 7% है, चाहे वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको सामने देखने को मिल रहा है, ट्रांसपेरेंट है। और अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो सितंबर क्वार्टर में इसने 600 करोड़ का लॉस दिखाया था, फिर भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जारी रखी है इसमें, लॉस दिखाने के बावजूद, मतलब भरोसा कर रहे हैं लोग, ये मान के चलिए। अब यस बैंक के शेयर को आप करेंटली देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि लो जो बनाया था वो 29 रुपये के आसपास से जरूर गया था, वहाँ से जबरदस्त तरीके से उछाल इसमें आया, जबरदस्त तरीके से। सबसे पहले उसी दिन या उसके अगले दिन ही रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन थोड़ा सा फिर नीचे गिरा, फिर वापस शेयर आता आता देखिए इसने 77-78 के लेवल का हाई ऑलरेडी बना चुका है। अब बात ये आती है कि मेजर यहाँ पे देखिए, फिर नीचे गिरा 56 के लेवल पे, उसके बाद फिर से इसने रिकवरी स्टार्ट कर दी, तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है। और बाइंग, ये जो वॉल्यूम में देख रहा हूँ, ये वॉल्यूम के टावर्स बढ़ते जा रहे हैं बाइंग और सेलिंग के। इवन यहाँ पे तो एक जो 31 अक्टूबर को बहुत बड़ा बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला, और उसके बाद अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये स्टॉक काफ़ी क्रिटिकल रेंज जो इसकी है, ये 74-75 की रेंज है, इसको पार करना चाहिए। स्टॉक अपने 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करने लग गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी अच्छी बात है। अब मुझे लगता है, मैं आपको अगर डिटेल दिखाऊं, तो मुझे लगता है कि फिलहाल की डेट में इस स्टॉक की जो रेंज रहने वाली है वो इस 70 से 90 रुपये के आसपास ये होवर कर सकता है, अप डाउन कर सकता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ आती है, जिस तरीके से अभी रेगुलर बेसिस पे कोई न्यूज़ आ रही है, और मैं हमेशा ये कब से यही कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ बेसिस का शेयर बन चुका है, तो वो स्टॉक इस स्टॉक को यहाँ 130-140 तक लेके जा सकती है, और 200-day मूविंग एवरेज जो है, सिंपल मूविंग एवरेज है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, 120 से 140 की रेंज में ये आ सकता है। लेकिन कोई न्यूज़ चाहिए, कोई बड़ा खरीदार यहाँ पे चाहिए स्टॉक को इतने ऊपर लेके जाने के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यस बैंक में ट्रेडिंग दबा के हो रही है, अभी डिलीवरी की बात नहीं करते, ट्रेडिंग दबा के हो रही है। देखिए यहाँ पे 41 करोड़ शेयर्स फ्राइडे को ट्रेड हुए, जिसमें 4.5 करोड़ शेयर की मात्र डिलीवरी हुई, मतलब खरीदारी चल रही है लेकिन ट्रेडिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये देखिए, मार्केट फ्राइडे को डाउन थी, फिर भी यस बैंक 4 से 5% ऊपर बंद हुआ है, 65-66 पे ओपन होने के बाद 70 के लेवल पे ये क्लोज हुआ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यस बैंक के इन्वेस्टर के लिए। अब ऑप्शन चेन के डाटा को एनालाइज करते और समझते हैं। देखिए, ऑप्शन चेंज को जब चेन को आप जब समझोगे, तो ये ध्यान रखें कि ऑप्शन चेन में जो सेलर होता है उसके पर्सपेक्टिव को आप देखिए। अब ये जो आप ये डाटा देख रहे हैं, ये 28 नवंबर की एक्सपायरी का ऑप्शन चेन का डाटा है यस बैंक का। अब यहाँ पे ये देखिए, जो आप ये येलो में देख रहे हो, ये सब इन द मनी वाले हैं, इन द मनी मतलब ये इन प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि एक्सपायरी पे यस बैंक का शेयर जो है वो इसी रेंज में रहता है, जो अभी प्राइसिंग उसकी चल रही है, तो ये इन जो ये ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे हो, जो 65 के स्ट्राइक प्राइस पे है या 60 के स्ट्राइक प्राइस पे, ये कॉल है, राइट साइड में पुट है, तो ये इन सबको पैसा देना पड़ेगा सेलर को इतना। और इस साइड पे पुट वालों को देखोगे, जो ये 70 के स्ट्राइक प्राइस पे, 75 के स्ट्राइक प्राइस पे, इनको सबको पैसा देना पड़ेगा ये, क्योंकि इन द मनी है। अब बात ही आती है, जैसा कि अब देखिए, अब आप सोचोगे ये गिरेगा या ऊपर का, ऑप्शन चेन के डाटा को जब आप समझते हो, तो बेसिक चीज़ें देखिए पढ़िए कि सेलर को कम से कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सेलर एक, ये मान के चलिए, इंश्योरेंस बेचने वाला है, ऑप्शन एक इंश्योरेंस और सेलर इंश्योरेंस बेचता है। अब इंश्योरेंस जब कंपनी बेचती है, तो वो कंपनी चाहती है कि कम से कम मुझे पैसा देना पड़े, किसी न किसी तरीके से मैं पैसा नहीं दूँ। इसका मतलब है कि वो जो, सपोज मान लीजिए कि कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई इन केस ऑफ डेथ या एक्सीडेंट के केस में इंश्योरेंस देना होता है, तो उसमें भी कई सारे अटकलें बीच में होती हैं, कई सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे मान के चलिए। अब ये अभी 69 के आसपास है, तो 65 तक का जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी आप कॉल में देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 70 के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 1.5 करोड़ के आसपास ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है वो ऐड हुए हैं खूब सारे। अब बात यह है कि 70 के तो बिल्कुल ये पास है ही है, और अगर ये 75 का हम मान के चलते हैं कि 75 के टारगेट प्राइस पे आता है, तो 75 के टारगेट प्राइस पे आप देखिए 90 लाख मात्र ओपन इंटरेस्ट हैं, और नए ओपन इंटरेस्ट जो जो इसमें ऐड हुए हैं वो 20 लाख ऐड हुए हैं। और यहीं पे अगर आप देखोगे
कितने हैं, 90 लाख। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हो कि कितने इसी के पैरेलल में 75 पे पुट, ये कॉल है, पुट पे कितने हैं, 13 लाख के आसपास ये ऑलरेडी जहाँ पे पैसा देना पड़ रहा सेलर को। तो सेलर चाहेगा कि यहाँ पे ये जो है नीचे को, अब देखिए जब ये नीचे को यहाँ पे आएगा धीरे धीरे, मतलब स्ट्राइक प्राइस ये 70 की हो जाएगी तो ये भी इन द मनी हो जाएगा, 75 के आसपास आ जाएगा तो इन द मनी हो जाएगा, यहाँ पे 80 के आसपास, 80 को पार कर लेगा तो ये भी इन द मनी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेलर को जो है खूब पैसा देना पड़ेगा, आप देखिए। लेकिन उसी के बशर्ते अगर आप ऊपर को देखा जाए, तो अब इस चीज़ को ध्यान रखें, अब ये जैसे गिरेगा, जैसे 65 के लेवल पे गिर गया, 60 के लेवल पे गिर गया, तो ये सारे ऊपर की रेंज जैसे 34 लाख, 40 लाख, ये जो कॉल ऑप्शन है ये जो है वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ा पुट ऑप्शन जैसे 73 लाख, 79 लाख, 60 लाख, 97 लाख, ये सारे इन द मनी हो जाएंगे। इसका मतलब कि शेयर के गिरने के चांसेस कम है, सेलर नहीं चाहेगा कि ये शेयर गिरे। अगर वो गिरता है तो बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है, ये आप देख रहे हो कि ये बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो सेलर को पैसा देना पड़ेगा इतना, क्योंकि ये सारा पुट इन द मनी हो जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये स्टॉक अभी जो है ये ज़्यादा नहीं लेकिन 70-75 की रेंज में ट्रेड कर सकता है, कोई बड़ी न्यूज आई तो फिर ये ऊपर जा सकता है। आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे, ये इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये शेयर थोड़ा सा नीचे आता है जरूर ये 2 पॉइंट यहाँ पे इन द मनी होंगे, लेकिन इसके चलते आप ये देखोगे कि इन द मनी होते होते ये कुछ शेयर जैसे ये वाला पॉइंट है ये आपका आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो ये चीज़ें, यहाँ पर सेलर को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आप समझें और ये बेसिक आइडिया हमको देता है कि क्या किस रेंज तक शेयर जा सकता है। तो फिलहाल अभी कोई बड़ी न्यूज़ का इंतजार है तो शेयर जंप करेगा, अदरवाइज ये एक बेसिक आइडिया हमको ऑप्शन चेन का डाटा देखता है, यहाँ पर सेलर का पर्सपेक्टिव आपको देखना पड़ता है। तो हमने ये बात करी यस बैंक की, यस बैंक का आगे का रुख यह है कि कोई न्यूज़ पर्सपेक्टिव है, अभी जो अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये पिछले 1 महीने में जबरदस्त उछाल, 30 रुपये के लेवल से उछल के ये 70-75 रुपये के लेवल तक आ चुका है, बहुत सारी खरीदारी यहाँ पे चल रही है इस बैंक में। एंड ये अपडेट था, और आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो यस बैंक के बारे में तो शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।